शनिवार को नए पद का दायित्व लेते ही आत्मविश्वास से भरे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब उन नाराज कांग्रेसियों को मनाने में जुट गए हैं जिनकी वजह से दायित्व समारोह में कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी किरकिरी हो रही थी। इस उपक्रम में जल्द ही कुलदीप बिश्नोई से मिलने व उनके पक्ष में मनाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा योजना बना रहे हैं। स्मरण रहे कि रविवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा किरण चौधरी के दिल्ली आवास पर उनसे मिलने और उनकी मान मनोवल करने गए थे। काफी लंबी वार्ता के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यकीन है कि किरण चौधरी की नाराजगी अब दूर हो गई होगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मेहमान नवाजी की खातिर भले ही किरण चौधरी ने शिष्टाचार निभाया हो, लेकिन वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में उनका सहयोग देंगी इसकी संभावना ना के बराबर है। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भावी मुख्यमंत्री के गुमान में कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला को भी अपने पक्ष में करने के विचार बनाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही किरण चौधरी कुछ शर्तों के साथ मान जाए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को अपने पक्ष में करना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक आधार भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफत करना रहा है। इसी संदर्भ में यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि हुड्डा की बस यात्रा के दौरान भी कुलदीप बिश्नोई ने बस में चढ़ने से न केवल साफ मना कर दिया था, बल्कि सार्वजनिक रूप से यह भी कह दिया था कि वे हुड्डा को अपना नेता नहीं मानेंगे। और वैसे भी कुलदीप बिश्नोई खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं। यही स्थिति रणदीप सुरजेवाला के साथ है। सर्वविदित है कि रणदीप सुरजेवाला पिछले 5 साल से अपने आप को दिल्ली में स्थापित किए हुए हैं। उनका उद्देश्य कभी छिपा ही नहीं रहा, उन्होंने हमेशा अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर ही पेश किया है। यहां तक कि जींद उपचुनाव में भी वे कहते रहे कि आप मुझे यहां से जिता दो तो राज आपकी ड्योढ़ी तक लेके आऊंगा। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तथ्य के बावजूद यह चाहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई और रणदीप सुरजेवाला उनके गीत गाने लगेंगे। यह सोच उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने जैसा नामुमकिन अफसाना बनकर रह जाएगा। बहरहाल इस कवायद से भले ही कोई नतीजा ना निकल कर आए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने जनादार के समक्ष भावी मुख्यमंत्री के रूप में मेहनत करते तो कमोवेश नजर आएंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी बीजेपी के संपर्क में है। बीजेपी सूत्रों से ये जानकारी मिली है, वो बीजेपी से तोशाम टिकट के लिए बात कर रही है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि बीजेपी उन्हें पार्टी में शामिल कर रही लेगी। किरण चौधरी कांग्रेस से नाराज चल रही है, उन्हें कुछ दिन पहले के नेता पद से हटा दिया गया था, उनकी जगह ये पद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया गया था। वैसे तो विधानसभा का आखिरी सत्र हो चुका है, लेकिन सीएलपी लीडर की कांग्रेस के टिकट बंटवारे में खासी अहम भूमिका होती है। यह ध्यान दिला दें कि सत्र रहते जब भी हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाने की बात होती थी तो किरण चौधरी उसका विरोध करती थी। किरण चौधरी शनिवार को चंडीगढ़ में हुए कांग्रेस के समारोह में भी नहीं पहुंची। किरण चौधरी के मन बदलाव का एक किरण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। किरण मैम, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे आपके आवास पर, कुछ आप नाराज चल रही थी, क्या मनाने आए थे? नहीं, हमारे सीनियर नेता हैं तो घर है, घर में चाय पानी के लिए तो कोई भी आ सकता है। कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, नाराजगी की क्या बात है। नहीं, नाराजगी की तो बात थी मैम, क्योंकि जिस तरह से सीएलपी थे और अशोक तंवर के जो समर्थक थे तमाम, उन्होंने जिस तरह से घर में कोई मेहमान आते हैं तो चाय पानी होता है आपस में बैठ के। हम कांग्रेस के अंदर हैं सारे, एक कहते हैं कांग्रेस के ही नेता हैं सारे के सारे, तो आपस के अंदर बातचीत होती है। तो आज आए मेरे घर तो बहुत आराम से यही बात हुई और क्या। चंडीगढ़ आप लोग नहीं गए थे जब पदाधिकारी तमाम, थैंक यू। तो किरण चौधरी जी ने इतनी ही हमसे बातचीत की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि सीनियर लीडर हैं और उनको हक है घर आने का, और घर आकर उनसे तमाम विषयों पर बात हुई है। क्या डिटेल में बात हुई है ये किरण चौधरी ने हमको नहीं बताया है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि नए संगठन में बदलाव के बाद जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के चलते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज किरण चौधरी के आवास पर यहाँ दिल्ली में उनसे मुलाकात करने आए थे। कैमरा पर्सन संदीप शर्मा के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज दिल्ली। सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, जो बातचीत आपकी हुई और जिस अंदाज में किरण चौधरी बात कर रही थी, लग ये रहा था कि अभी नाराजगी खत्म नहीं हुई है, शायद वो कह नहीं रही उस बात को। बिल्कुल नाराजगी नहीं दिखा रही थी और उस तरह से जो कहा आपने कि शक खुल के नहीं कह रही थी, लेकिन उससे ना सरप्राइज थी कि कैमरे कहाँ से आ गए और कैमरों में सिर्फ टोटल न्यूज वहां प्रेजेंट था। और आप बात करते हैं कि अंदरूनी क्या बात हुई, अंदरूनी बात में जो गेस्चर्स, अगर आप तस्वीरें भी साथ देख पाए तो गेस्चर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाकायदा
शेक हैंड हुआ और एक घंटे तक ये मुलाकात चली है। जाकर ये मैं बता दूं आपको, एक घंटे तक मुलाकात चली है, नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने 3-4 बार कोशिश की थी सीएलपी पद से हटाए जाने के बाद किरण चौधरी से बात करने की, ऑफ रिकॉर्ड कुछ बातें हुई थी, अब वो बताए नहीं जा सकते, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब तक उन्होंने मीडिया के सामने आके बयान तक नहीं दिया था। और साथ ही निश्चित तौर पर किसी पद से हटा होता और कहीं ना कहीं उस चीज की टीस भी होती, शायद उसी टीस के लिए पहले कदम बढ़ाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किरण चौधरी से मुलाकात की है। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी दोनों उस मुलाकात में मौजूद थे, बकायदा तस्वीरें टोटल न्यूज के पास हैं। और उस मुलाकात के बाद खुद किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गाड़ी में छोड़ने आई। अब अंदरूनी टीस कितनी है, कितनी लड़ाई की दूर हुई है, ये वक्त बताएगा किस तरह के फैसलों को लेकर कोई भी कमेटी नए सिरे से बनती है या जो भी जिम्मेदारी ये दोनों पदाधिकारी हैं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र नहीं हुई। ये तमाम खबरें मीडिया की बनाई हुई है। वहीं किरण चौधरी से मुलाकात पर हुड्डा ने कहा है कि किरण चौधरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, शिष्टाचार के नाते मुलाकात थी, किरण चौधरी से उनका सामाजिक और राजनीतिक रिश्ता है। हुड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री की रोहतक की रैली से लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने हरियाणा के लिए कुछ नहीं दिया, केवल उपलब्धियां गिनवाते रहे। हमारी मुलाकात तो ऐसी बात है, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथी विधायक हैं, हमारे दोस्त की धर्मपत्नी है, तो उनमें से मतभेद पड़ा ही था उनकी तरफ। और जिस तरह के गेस्टर्स उनके नजर आ रहे थे आपको, गाड़ी तक सीट ऑफ करने गए, श्रुति भी वहां थे, एक अच्छे माहौल में लग रही थी मुलाकात, ठीक होता है, मतलब शिष्टाचार की बात है और मतलब रिश्ता हमारा सामाजिक रिश्ता उनसे राजनीतिक है। आपके समर्थकों का एक बड़ा धड़ा उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। पूरे हरियाणा में फैले चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह के समर्थक हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी किरण चौधरी के कद का एहसास है। यही कारण है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किरण चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचे और एक घंटे से भी ज्यादा समय तक उनके आवास पर रुके।